हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल अरेंजमेंट या कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखा था। तो मैंने बताया था कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट ही बताया था कि पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होता है? सेम होता है। चार्ज मैंने ये बताया था कि चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आई मीन जितना ही ज्यादा किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, उतना ही वो कैपेसिटर जो होगा क्या होगा, वह कैपेसिटर चार्ज को ज्यादा स्टोर करेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कम्बिनेशन चार्ज जो स्टोर होगा ऑल कैपेसिटर्स के द्वारा वो क्या है, सेम होगा या सेमी होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सेम हो भी सकता है और क्या है, सेम नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी। उसके बाद मैंने बताया था कि एनर्जी जो स्टोर्ड होगा किसी भी कैपेसिटर में वो क्या होगा, अगेन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मोर चार्ज कैपेसिटर विल स्टोर्ड, एंड क्या होगा, वाइस वर्सा। जितना ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उतना ही क्या करेगा, वो चार्ज को ज्यादा स्टोर करेगा। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ सम भी देखा था, मैंने एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग उसको सॉल्व भी किए होंगे और कुछ लोग नहीं भी सॉल्व किए होंगे। नहीं करने वाले को तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3, 4, 5 को छोड़ दिया जाए तो कोई फिजिक्स, कुछ लोगों तो मैं पर्सनली भी क्वेश्चन भेजा हूँ तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। खैर, वो उनके घर काफ़ी पैसा है तो डोनेशन से भी कहीं एडमिशन ले सकते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं, तो उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग करने वाले नहीं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का स्कोर जो अच्छा हो, आप लोग फिजिक्स पढ़ें। लेकिन यदि आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना होगा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो छोड़िए, जाने दीजिए, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो ये क्या है, उसी से बेस्ड अभी हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल से बेस्ड क्या है, हमने कुछ सम भी देखा था और आज भी हम कुछ सम देखेंगे। तो यहाँ देखो क्या है कि ये अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसमें क्या है, कैपेसिटर्स हैं और कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस जो है क्या है, सभी कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो इसमें क्या है, आपको यही रिजल्ट हमेशा यूज होता रहेगा। मैंने क्या बताया था कि जब कैपेसिटर्स क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने क्या चीज से डिनोट किया था, सी से, सीपी, पी स्टूडेंट और पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करते हैं, सभी के कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यदि क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो सभी कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम होगा, तो सी पी इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू सी। एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर। उसी तरह 1/CS जो होता है वो क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + क्या है, मैंने बताया भी था कि कैपेसिटर्स का पैरेलल जो कम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज इक्विवेलेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह कैपेसिटर्स का जो सीरीज इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के पैरेलल इक्विवेलेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। बस यही चीज़ आपको, यदि कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, तो सी एस इक्वल टू क्या होगा, सी बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, आप कैसे सोचोगे कि ये पैरेलल में है, तो आप क्या करो मन में, देखो यहाँ से यदि हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो इधर से जो चार्ज जाएगा, ए और बी के बीच बैटरी ऐसे मान लो कि कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर, यहाँ से मान लो कि क्या है, क्यू आ रहा है, तो यहाँ क्यू के तीन रास्ते हैं, एक क्यू वन इधर जाएगा, दूसरा क्यू टू और तीसरा क्या है, क्यू थ्री। अब एक क्यू टू क्या होगा, क्यू टू ऐसे फ्लो होगा, क्यू वन क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा और ऐसे, फिर यहाँ कंबाइन होकर के। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो क्या है, ये जो कैपेसिटर्स है, ये वाला जो है वो क्या है, सीरीज में है। कैपेसिटर्स आर क्या है, इन सीरीज, तो इनको हम सी एस क्या लिखे हैं, सी वन मान लेते हैं। तो सी वन कितना हो जाएगा, देखो तो सीरीज में अभी बताया था कितना हो जाएगा, सी बाई कितना हो जाएगा, टू,
उसी तरह देखो इन दोनों कैपेसिटर पे क्या है, चार सेम है, तो ये वाला जो कैपेसिटर्स होंगे ये भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। कैपेसिटर्स आर इन क्या होगा, तो यहां भी सी टू इक्वल टू क्या होगा, सी बाई क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इनको क्या करेंगे, इनके सीरीज इक्विवेलेंट से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते जाएं। तो जब आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो देखो ऐसे कुछ सर्किट बनेगा, ऐसे कुछ सर्किट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर ए, देखो ए क्या हुआ सी वन, दूसरा कैपेसिटर मैंने क्या मान लिया सी टू, और ये तीसरा क्या हो गया, ये तो दिया हुआ है सी, ये कितना है सी बाई क्या है टू, ये क्या है सी बाई क्या है टू, ए सी है और यही क्या है ए और क्या है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, तीनों क्या है पैरेलल में है। पैरेलल में यदि हम ऐसे सोचें तो क्या होगा, यदि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका ऑल वन प्लेट्स टुगेदर कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट्स और या वन प्लेट्स टुगेदर कनेक्टेड है, अदर ऑल प्लेट्स क्या है टुगेदर कनेक्टेड है, तो सबको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। या अपने से एक बैटरी कनेक्ट कर दो, वही बैटरी क्या है EMF, वही बैटरी जो है सभी कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है पैरेलल में है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है वो क्या है, ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर इन क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ Cp इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने बताया था Cp इक्वल टू क्या होगा, सभी के कैपेसिटेंस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे C by 2 प्लस C by 2 प्लस क्या लिखेंगे प्लस C इक्वल टू क्या होगा 2C हो जाएगा। तो जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखोगे यहाँ तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यही एक कैपेसिटेंस ए और बी के बीच मालूम चला Cp, तो Cp इक्वल टू क्या हुआ, Cp इक्वल टू आई मीन Cab इक्वल टू कितना मिला अपने को, कितना मिला 2C मिला। तो यहाँ लिख सकते हैं कि Cab इक्वल टू 2 इंटू क्या हुआ C। तो आपको ये चीज ध्यान में रखें, उसके बाद कुछ हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे देखो ये दिया हुआ है कि सी वन इक्वल टू सी सी आई मीन यहां हमने सी टू इक्वल टू सी सी थ्री इक्वल टू सी सी फोर इक्वल टू सी सी फाइव इक्वल टू सी और यहाँ हमने सी सिक्स इक्वल टू सी मान लिया। क्या मान लिया, यहाँ हमने वी वोल्ट का आई मीन 10 वोल्ट ऐसे मान लो 10 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो क्या करना है, पहले क्या करना है कि आपको फाइंड ए में क्या करना है चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी। बी में क्या कैलकुलेट करना है चार्ज क्या है चार्ज ऑन क्या है ईच कैपेसिटर। सी क्या है एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड बाय क्या होगा ईच कैपेसिटर। और डी में देखो डी में अगेन क्या करना है कि एनर्जी सप्लाई बाय द क्या होगा पावर सप्लाई है वर्क डन बाय द बैटरी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डी में क्या कैलकुलेट करना है कि वर्क डन बाय द क्या होगा बाय द बैटरी।
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है चार सप्लाई बाय द बैटरी। तो क्या होता है चार सप्लाई बाय द बैटरी, पहला क्वेश्चन ये है। तो हम सोल्यूशन में देखो तो चार सप्लाई बाय द बैटरी कितना होगा, क्यू क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा सी इक्वेलेंट इनटू क्या होगा, यही होता है ना। अभी क्या होगा देखो, चार सप्लाई बाय द बैटरी निकालना होगा, ये क्या होगा, यही क्या होगा चार्ज चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी। ये क्या है सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द क्या होगा, बिटवीन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, आई मीन इस बैटरी के टर्मिनल, आई मीन यहाँ यदि ए पॉइंट लिख दें और ये क्या हुआ बी लिख दें, तो क्या लिखा बिटवीन टर्मिनल टर्मिनल ऑफ द क्या होगा बैटरी। और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा ई एम एफ ऑफ द क्या है ऑफ द बैटरी। यही आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे आपसे, अपने को क्या है सी इक्विवेलेंट पहले अपने को मालूम चल जाए। तो सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने वक्त अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से अगेन, ये वाला जो तीनों कैपेसिटर होगा, देखो क्या है ये जो तीनों कैपेसिटर्स है वो क्या है सीरीज में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ C2, C3 एंड C4 आर इन क्या है आर इन सीरीज, सीरीज है सीरीज में है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ आई मीन इनका सी एस इक्वल टू क्या होगा सी बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इनको इनके आई मीन इक्विवेलेंट सर्किट से हम क्या करेंगे आई मीन ये तीनों कैपेसिटर को क्या हम क्या करेंगे तीनों कैपेसिटर को इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा सी बाई 3 होगा उससे हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप सर्किट रीड्रॉ करोगे यहाँ तो कैसे हो जाएगा देखो, ये कुछ ऐसे हो जाएगा यही होगा ना। सी बाई 3 अब क्या होगा सी बाई 3 हो जाएगा सी बाई 3 हो जाएगा। अब इसका हमने क्या माना है इसको C5 माना है, क्या माना है C5 ठीक है C6 और इसको C1 माना है, इसका भी वैल्यू C है इसका भी वैल्यू C है सबका वैल्यू क्या है C है ये 10। अब आप इसके बाद देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये वाला जो क्या है ये वाला जो कैपेसिटर्स है वो क्या है सीरीज में, तो हम लिख सकते हैं सॉरी पैरेलल में C5 एंड क्या है CS आर इन क्या है आर इन पैरेलल है। तो यहाँ हम यदि CP लिखें CP इक्वल टू आई मीन इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तो C प्लस क्या हो जाएगा C बाई 3 आई मीन क्या होगा 4 C बाई क्या होगा 3 4 C बाई क्या हो जाएगा 3। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से सर्किट को क्या करेंगे रीड्रॉ करेंगे। तो जब सर्किट रीड्रॉ करोगे तो ये देखो एक अगेन C और ये क्या हो जाएगा CP इक्वल टू क्या होगा 4C/3 और यहाँ क्या होगा C हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा C6 इक्वल टू C1 इक्वल टू C। अब आपको ये दिख रहा है कि तीनों जो हैं वो क्या है ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ये क्या है अब क्या है ये पैरेलल में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं C1 CP एंड क्या होगा C6
आर इन क्या होगा, आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो अब सर्किट कुछ ऐसे हो गया, एक कैपेसिटर हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा 10 वोल्ट बैटरी, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा आप ऐड करो तो आपको मालूम चल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे सी एस इक्वल टू क्या होगा, देखो इनका क्या हो जाएगा ये सी बाई टू हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी एस वन डैश इक्वल टू क्या होगा सी बाई टू इन टू फोर सी बाई थ्री अपॉन सी बाई टू प्लस फोर सी बाई क्या होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फोर सी स्क्वायर अपॉन सिक्स इन टू क्या होगा 11। आई थिंक शायद ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था लेकिन सी इक्वैलेंट के लिए केवल किया था। तो ये कितना हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सी एस डैश जो मिलेगा वो क्या होगा 4c अपॉन क्या हुआ 11। ये शायद सी इक्वैलेंट के लिए किया था। अब आप क्या कर सकते हो, इनके ए और बी के बीच ए टर्मिनल ए और बी है, सी ए भी मिल गया, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं चार्ज सप्लाई बाई द क्या है बैटरी, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सी ए बी इन टू क्या होगा वी, और सी ए बी कितना है सी ए बी आई मीन फोर सी अपॉन क्या है 11 इन टू क्या होगा 10, ये कितना होगा 40 अपॉन क्या होगा 11 इन टू क्या होगा सी 5। ये चार्ज सप्लाई बाई द क्या हो गया बैटरी अपने को मालूम चल गया। इसके बाद यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय क्या होगा द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी क्यू इक्वल टू देखो क्या होगा डब्ल्यू बैटरी इक्वल टू क्या होगा Q इंटू क्या होगा V, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 440 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा 11 C, आई मीन 400 C अपॉन क्या हो जाएगा 11 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब ये तो आसान था, यहाँ तक तो आप लोग शायद कर सकते थे या प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा क्या है, सभी पे आपको क्या करना है चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या है देखो ऐसे दिया हुआ है, मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है सी टू सी थ्री सी फोर सी सिक्स और सी फाइव और ये क्या है सबका जो वैल्यू दिया हुआ है सी 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 और ये क्या है सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी क्या है सी, यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है देखो, तो चार्ज कितना जा रहा है बैटरी के, यही Q जा रहा है, बाद में वहाँ Q का वैल्यू आप रख, जब यहाँ Q आएगा देखो ध्यान से, ये Q आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा Q क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ यहाँ से ये Q इस पे आई मीन C1 पे यही चार्ज होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इधर हम Q1 मान लें और इधर क्या लिख दें Q2 लिख दें, क्या है Q1 और क्या लिख दें Q2 लिख दें, और ये देखो तो इस पे भी क्या होगा इधर भी क्या होगा अगेन Q हो जाएगा, यहाँ से Q1 और यहाँ से Q2। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन क्या होगा C1 क्या होगा चार्ज ऑन C1 एंड क्या होगा C6 और कितना होगा Q1 इक्वल टू Q6 इक्वल टू क्या होगा Q, और इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 40 C अपॉन क्या होगा क्या है C1 और C6 पे जो चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा जितना बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आपने वो क्या कैलकुलेट करना है देखो ध्यान से, आप देखोगे तो ये चार्ज एक Q1 यहाँ भी Q1 यहाँ भी क्या होगा Q1, हमने गलत लिख दिया, ये Q2 होगा और ये क्या होगा Q1 होगा, तो इधर भी क्या है Q1 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं क्या है C2 C3 एंड क्या है
सी फोर आर इन क्या है, आर इन सीरीज। हैंस क्या लिख सकते हैं, क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री इक्वल टू क्यू फोर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्यू थ्री इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्या होगा, क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री इक्वल टू क्यू फोर इक्वल टू हम क्यू नट मान लेते हैं। यही क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना। तो देखो मैंने एक पॉइंट बताया था कि यहाँ से हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो ऐसे सोच सकते हैं क्या कि ये कैपेसिटर्स है, ये तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और उनके पैरेलल एक कैपेसिटर क्या है, कनेक्टेड है, ये हुआ। और यहाँ से एक चार्ज आ रहा है, कितना, यही चार्ज आ रहा है, क्या है, क्यू। और इधर यही चार्ज क्या है, यही क्या है, सी वन आई मीन सी टू सी थ्री सी फोर और ये क्या है, सी फाइव है। अब ध्यान से देखना, यही इधर सर्किट होगा, ये ऐसे सोचो यहाँ से हटा करके, तो ये क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे, उनके पैरेलल ही हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा ऐसे होगा। अब आप इसको, मैंने बताया भी था, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसे क्या हो जाएगा, सर्किट आपको क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो देखो ये क्या हुआ, सी, ये क्या हुआ, सी बाई थ्री, यही हुआ ना, और इधर से क्या होगा, क्यू नट, यही हमने माना है कि इधर क्या है, क्यू नट जा रहा है, और इधर ऑब्वियसली क्या होगा, क्यू माइनस क्या होगा। अब हम जानते हैं कि इधर से क्यू आ रहा है, तो मैंने एक मेथड बताया था, याद करो कि क्या बताया था, कि क्यू वन इक्वल टू क्या होगा, सी वन अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखा था, सी वन प्लस सी टू, ये बताया था क्या, ये बताया था। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं कि क्यू नट, देखो जिस कैपेसिटर में चार्ज लिख रहा है उसका कैपेसिटेंस ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो इसमें मुझे सी बाई थ्री में लिखना है, तो सी बाई थ्री क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, सी बाई थ्री प्लस क्या होगा सी, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्यू नट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू है ना, क्यू अपॉन क्या लिखोगे, फोर। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, क्यू अपॉन फोर, मालूम चल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई कितना हुआ, क्यू बाई कितना हुआ, फोर हो गया। और क्यू का वैल्यू अपने को मालूम है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 सी अपॉन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और मालूम चल गया। तो क्यू फाइव यही है ना, सी फाइव, तो क्यू फाइव इक्वल टू क्या होगा, क्यू माइनस क्यू बाई क्या होगा, फोर, आई मीन कितना हो जाएगा, थ्री क्यू, थ्री क्यू बाई क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। यहाँ भी आप वैल्यू रख दें तो आपको आसानी से मालूम चल जाएगा क्या होगा, आसानी से मालूम चल जाएगा। तो यहाँ मालूम चला कि चार्ज ऑन क्या होगा, कैपेसिटर 5 कितना होगा, 3 Q बाई फोर, आई मीन कितना, 3 बाई फोर इंटू 40 सी अपॉन 11, ये कैंसिल हो गया, तो Q 5 इक्वल टू कितना मिला, 3 सी अपॉन क्या, आई मीन 30 सी अपॉन। उसके बाद तो चार्ज मिल गया, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो एनर्जी आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एनर्जी आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल्स इस पे देखेंगे। आज मैंने कल मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड सीरीज पैरेलल से रिलेटेड भी शीट सेंड किया है, तो शायद कुछ लोगों को जिनको टाइम मिले वो सॉल्व कर लेंगे, और डाउट होगा वो मुझे सेंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि क्या दिया हुआ है, कि तीन कैपेसिटर्स हैं, देखो एक इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने हीट में बताया था, ये देखो ये सी वन ये सी टू और ये क्या है सी थ्री, इसको वी वन मान लिया, यहाँ पोटेंशियल क्या है वी टू है, और यहाँ पोटेंशियल क्या है वी थ्री है, और यही क्या है जंक्शन है, आई मीन वो मान लिया जंक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं नोड, ठीक है। अपने को कहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फाइंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या है, देखो ध्यान से है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड
कॉमन पोटेंशियल एट ओ एज वेल एज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज shown in the figure. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाद में हमने यहाँ दो ही तीन कैपेसिटर कनेक्ट किया है, बाद में हम और भी कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, एन भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, ओ पे क्या करना है आपको, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और फिर क्या करना है, चार्ज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ माना, क्या माना कि लेट, क्या होगा लेट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ओ इज क्या है वी ओ, आई मीन हमने यहां पोटेंशियल क्या मान लिया, क्या मान लिया वी ओ मान लिया। अब ऐसे हम मानते हैं कि इधर से चार्ज क्या आ रहा है, देखो इस पे क्या है, इधर से चार्ज क्या आ रहा है क्यू वन, और इधर चार्ज क्या जा रहा है Q2, और इधर चार्ज क्या जा रहा है Q3, है ना, क्या है इधर से चार्ज क्या रहा है Q1, आई मीन क्या होगा Q1, Q2 और क्या होगा Q3। तो क्या होगा, पहला पॉइंट तो हम क्या लिखेंगे इधर, आई मीन ऐसे सोच सकते हो, इस पे चार्ज क्या है Q1, इस पे Q2 और इस पे क्या है Q3, ऐसे सोच सकते हो। तो पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन, आप क्या लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो मुझे ये मालूम नहीं है कि कौन सा पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि चार्ज किधर से किधर फ्लो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रेंडमली कंसीडर कर लिया फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ चार्ज कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, तो Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3, एक इक्वेशन हो गया। अब यदि हम लिखें क्या होगा, देखो ध्यान से, यदि हम लिखें यहां पोटेंशियल लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, तो यहां Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां Q आई मीन Q Q1 लिखना है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज इधर जा रहा है, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू, Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C1, C1 इनटू क्या लिख सकते हैं V1 माइनस क्या लिख सकते हैं V0, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C2 इनटू क्या लिख सकते हैं V0 माइनस V2, और Q3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C3 V0 माइनस, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यदि इक्वेशन क्या कंसीडर कर लें, टू मान, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो तो क्या होगा Q1 इक्वल टू क्या होगा C1 V1 माइनस C1 V0 इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं C2 V0 माइनस C2 V1 प्लस, क्या लिख सकते हैं प्लस C3 V0 माइनस, क्या लिख सकते हैं माइनस C3 V3। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या होगा देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं C1 V1 सबको इधर लाओ, प्लस क्या होगा C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 इनटू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉमन भी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 इक्वल टू क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो
तो यही क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल। तो ये पॉसिबल हो तो देखो कि कुछ नहीं करना है, C1V1 + C2V2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल एट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो VO इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेशन यदि हम यूज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा VI CI, I इक्वल टू 1 टू क्या होगा N, डिवाइडेड बाई क्या होगा सिग्मा सी आई, आई इक्वल टू क्या होगा 1, यदि क्या होगा एन नंबर ऑफ सच कैपेसिटर। तो उसके बाद देखो आसानी से वी मिल गया, वी नट मिल गया, तो तुम चार्ज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ दिया हुआ है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से, क्या होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, पुटिंग क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी नट इन क्या होगा इक्वेशन 2, वी विल क्या होगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू वन क्यू टू एंड क्या होगा क्यू थ्री। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लो इससे रिलेटेड, एक एग्जाम्पल कि ऐसे दिया हुआ है, और इधर इसको ऐसे सोचो क्या किया गया है, ग्राउंड कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया है, ईबीसी मान लो, ईबीसी मान लो, ए सी मान लो, यहां हमने मान लिया 4 वोल्ट, आई मीन वी, यहां हमने मान लिया 4 वी, और आपसे कोई पूछे ओ फाइंड क्या है, फाइंड फाइंड पोटेंशियल एट क्या होगा ओ, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला यदि रिजल्ट अपने को मालूम है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट VO इक्वल टू क्या होगा, देखो C1V1 प्लस क्या होगा C2V2 प्लस C3V3 डिवाइडेड बाई क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ C1V1 आई मीन क्या लिख सकते हैं, VC प्लस 4 इंटू C 4 CV, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ ग्राउंडिंग किया गया है, ठीक है, तो जीरो अपॉन क्या हो जाएगा 3C, तो आप लिख सकते हैं 5 कितना हो जाएगा 5 VC अपॉन क्या हो जाएगा 3C, ये कैंसिल हो गया, तो 5V अपॉन क्या होगा 3V नेट। तो ये कॉमन पोटेंशियल आपने को मालूम चल गया, कितना आया कॉमन पोटेंशियल मालूम चल गया, आई मीन पोटेंशियल एट क्या होगा, पोटेंशियल एट कॉमन पोटेंशियल एट पॉइंट वो मालूम चल गया। अब जब पोटेंशियल मालूम चल गया तो आप आसानी से चार्ज भी क्या कर सकते हो, सभी कैपेसिटर पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सभी कैपेसिटर पे क्या कर सकते हो, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद कभी कभी ये पूछा जाएगा देखो ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल देखो, सी मान लो या ए चलो 20 वोल्ट मान लेते हैं, हम इसको 4 माइक्रो कूलम माइक्रो फेराड, और इसको हम क्या मान लेते हैं 6 माइक्रो फेराड मान लेते हैं,
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड चार्ज ऑन क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या है, एक सिंबल आपको मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग, अर्थिंग आई मीन ये सिंबल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब तो क्या है, फाइंड फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज सून इन द क्या होगा, इन द, तो कुछ नहीं है। देखो यहां पोटेंशियल ग्राउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां जो पोटेंशियल होगा, यहां जो पोटेंशियल होगा वो भी का वैल्यू यहां भी क्या होगा, जीरो होगा, और इस पॉइंट पे भी क्या होगा, जीरो होगा, ये आपको मालूम है। तो सिंपल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज, देखो तो इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है। अब पूछा जाएगा कि कौन सा जो हायर पोटेंशियल पे होगा, आई मीन किस पे प्लस चार्ज होगा और किस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, क्या होगा, किस पे प्लस चार्ज होगा और किस पे क्या होगा। तो देखो जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वहाँ प्लस चार्ज होता है, और जो निगेटिव पोटेंशियल जिस प्लेट का होता है उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। आई मीन जिस पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो प्लस, और जिस पे कम होगा उस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, क्या लिख सकते हैं कि चार्ज चार्ज ऑन क्या हो जाएगा, ऑन। यदि मैं कंसीडर कर लूँ, देखो इधर से क्या है, इस पर यदि क्यू फोर मान लूँ और इधर क्या है क्यू सिक्स, तो हम चार्ज ऑन लिख सकते हैं 4 माइक्रोफेरड। कितना होगा, देखो q अगेन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पोटेंशियल 20 है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, 20 वोल्ट होगा, और यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। तो हम क्या लिखते हैं, q इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी वी, क्या होता है, वी प्लस माइनस वी माइनस, तो क्या लिखेंगे, 4 into, क्या लिखेंगे, 20 माइनस क्या लिखेंगे, 0, आई मीन कितना हो जाएगा, 80 माइक्रो। तो चार्ज ऑन क्या होगा, 4 माइक्रो फेराइड कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, चार्ज कितना होगा, 80 माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 माइक्रो कूलम हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या है कि चार्ज चार्ज ऑन क्या होगा, क्यू सिक्स, तो कितना होगा, देखो तो क्यू सिक्स इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू क्या जाएगा, 6 माइक्रोफेराड, आई मीन क्या लिखेंगे, 120 माइक्रो। तो चार्ज क्या हुआ, दोनों, अब अपर प्लेट लोअर प्लेट पे आपसे चार्ज पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको खुद से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद कुछ और भी हम क्या देखेंगे, पॉइंट देखेंगे इसे। तो ये मालूम चल गया कि यदि कोई भी पॉइंट क्या हो, ग्राउंडेड हो, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो आसानी से हम चार्ज क्या है, कहीं भी पॉइंट क्या हो, ग्राउंडेड हो, आगे हम पढ़ेंगे जब सर्किट हम पढ़ेंगे कि इक्वेलेंट, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेलेंट कैपेसिटेंस इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, आई मीन मिक्स कॉम्बिनेशन में, तो हम आगे देखेंगे कि 2-3 मेथड से हम पढ़ेंगे उसको, तो वहाँ हम इसका ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी देखो आपको, अभी मैं क्या है, चार्जिंग कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको आप, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, इवन बीएम शर्मा भी बहुत सारे, तो चार्जिंग यहाँ थोड़ा सा मैं, चार्ज कैसे, आई मीन चार्ज चार्जिंग, चार्ज कितना अपीयर होगा वो मैं कैसे चार्ज होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या होगा, ये कैपेसिटर। देखो क्या है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है और इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक बैटरी, थोड़ा मैं बड़ा जग स्पेस दिखा देता हूँ, यही क्या है, कैपेसिटर दिया हुआ है और इसके पैरेलली, आई मीन ऑफ कोर्स क्या होगा, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग करने के लिए अपने को बैटरी क्या होगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी दिया हुआ है, ये टर्मिनल क्या है, ये है, और ये टर्मिनल क्या है, इसका बैटरी क्या है, बैटरी का ईएमएफ क्या है, वी है। हमने मान लिया बैटरी का ईएमएफ कितना है, अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से,
ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द क्या है बैटरी, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द क्या है ऑफ द बैटरी, और ये क्या है निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट ऑफ द क्या है ऑफ द बैटरी। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट, जैसे ही हम क्या करेंगे t equal to 0 पे स्विच को क्या किया हमने क्लोज कर दिया, तो ये देखो क्या होगा, एक कंडक्टिंग प्लेट है तो इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने बताया था कि जब भी हम कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो यहाँ जैसे ही आप ये स्विच कनेक्ट करोगे तो सर्किट क्या हो गया अभी कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा इस पे से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये क्या करेगा पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी क्या होगा विल अट्रैक्ट या पुल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द क्या होगा प्लेट ए ऑफ द क्या होगा कैपेसिटर। तो इस पे क्या हो जाएगा, अब जैसे ही क्या होगा इधर से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इधर से, तो इधर क्या होगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इधर से क्या होगा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन क्या होगा बढ़ने लगेगा, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी प्लेट पे आई मीन इस प्लेट पे क्या होगा बढ़ने लगेगा और इस प्लेट पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो इधर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और इधर क्या होगा निगेटिव चार्ज क्या होगा इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही क्या होगा इन क्या होगा, अब यदि मैं बोलूं देखो तो यहाँ कैपेसिटर्स के यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि VC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं V प्लस माइनस क्या होगा V। अब देखो क्या होगा आप बताओ यहाँ क्या होगा इसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एग्जिस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एग्जिस्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा कि यहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा मूव करेगा तो उसको क्या करेगा वो पुल करेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब क्या हो जाए कि इतना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए आई मीन पोटेंशियल डेवलप हो जाए जो क्या हो जाए कि फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे स्टॉप कर दे, उसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होता है ये चीज आपको माइंड में रखना है, यही क्या होगा इन क्या होगा कि वेन या ऐसे लिखेंगे एट क्या होगा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा वी प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है ईएमएफ ऑफ द क्या हो जाएगा अप्लाइड क्या हो जाएगा बैटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द क्या हो जाएगा अप्लाइड। जैसे ही क्या होगा आई मीन आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा तो क्या होगा व्हेन एवर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बिकम क्या होगा, देखो ध्यान से अभी जब चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल क्या होगा आपको मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है EB, चार्ज जीरो, ये चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो V क्या था जीरो था आई मीन VC क्या था जीरो था जब चार्ज इधर नहीं था। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि आप ये स्विच कनेक्ट करोगे तो चार्ज का क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा आई मीन ए टू क्या होगा बैटरी से होते हुए बी की तरफ मूव करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा उतना ही क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इधर और इधर क्या होगा निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होगा दोनों प्लेट पे क्या होंगे अपीयर होने लगेंगे तो इनके बीच क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा इनके कैपेसिटर के बीच क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अपीयर हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बढ़ने लगेगा, है ना। जैसे जैसे चार्ज क्या होगा बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब इसके अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द बैटरी के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं और उसके बाद क्या होगा चार्ज का फर्दर क्या होता है मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है रुक जाता है, चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है रुक जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना है माइंड में रखना है कि चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने शायद एक दो न्यूमेरिकल्स भी सीट में दिया था जो इसी से क्या है रिलेटेड है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड और भी क्या है नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।